हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मेरा और मनोरंजन मसाला इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको हाँ ऐसी दो जासूसी पहेलियाँ पूछने वाली हूँ कि जिसे देखकर आपका दिमाग हिलने लगेगा। पहली पहली शायद आप हल भी कर सको क्योंकि दोस्तों आप हो ही स्मार्ट, लेकिन दूसरी पहली हल करना नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मनोरंजन मसाला को और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। एक फॉरेनर लेडी के घर चोरी हो जाती है। वह इंश्योरेंस कंपनी को बुला के चोरी के सामान का क्लेम करती है और उन्हें बताती है कि कोई खिड़की तोड़ के बाहर से आया और सारा सामान लेकर चला गया। मामले की तहकीकात करने पुलिस आती है। पुलिस को घर के बाहर कांच के टुकड़े मिलते हैं। खिड़की टूटने की वजह से पुलिस घर के अंदर आती है तो बचा हुआ सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो पुलिस ने तुरंत लेडी को ही झूठी चोरी और फौज इंश्योरेंस के लिए लेडी को गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि लेडी ने ही अपने ही घर में चोरी की है, क्या आप बता सकते हैं? आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि पुलिस ने इसकी तहकीकात कैसे की। तो इसका जवाब आया क्या दोस्तों आपको? नहीं आया तो चलिए मैं ही आपको इसका जवाब बताती हूँ। दोस्तों अगर चोर सच में कांच तोड़कर घर के अंदर आता तो कांच के टुकड़े घर के अंदर ज्यादा गिरते थे, लेकिन कांच के टुकड़े तो घर के बाहर गिरे थे। मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया था और वह फॉरेनर लेडी झूठ बोल रही थी, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कैसी लगी आपको हमारी यह जासूसी पहेली? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आकाश रास्ते से जा रहा था। कुछ लोग उसे किडनैप करते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। आकाश को अपनी जान बचाकर वहां से भागना था, मगर रूम से निकलने के लिए दो ही दरवाजे थे। पहले नंबर के दरवाजे के पीछे सनलाइट रिफ्लेक्टर्स लगे हुए थे। यदि आकाश पहले नंबर के दरवाजे से भागने की कोशिश करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। यदि आकाश दूसरे नंबर के दरवाजे से भागने की कोशिश करेगा तो दूसरे दरवाजे के पीछे जंगली शेर है जो आकाश को कच्चा खा जाएंगे। फिर आकाश किडनैपर से अपनी जान बचाने के लिए भागेगा कैसे? क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं? तो आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि आकाश कैसे भागेगा। चलिए इसके लिए 10 सेकंड का टाइम लगा देते हैं। तो इसका जवाब आया क्या दोस्तों आपको? नहीं आया तो चलिए मैं ही इसका जवाब आपको बता देती हूँ। आकाश दिन ढलने का इंतजार करेगा और जैसे ही रात होती है तो आकाश रात को नंबर एक के दरवाजे से भागेगा, क्योंकि रात को सूरज नहीं रहता है और रात को सनलाइट रिफ्लेक्टर्स कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो आकाश आराम से एक नंबर के दरवाजे से भाग जाएगा। आपको हमारी यह जासूसी पहेली कैसी लगी तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की जासूसी पहेलियाँ? यदि दोस्तों आप इस तरह की और भी जासूसी पहेलियाँ देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू में जो घंटा दिखाई दे रहा ना उस घंटे को भी ऐसे जोर से बजाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।